रहा है, तो आपको मैं सबसे पहले एक बार इसका साउंड सुनाता हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप जैसा देख सकते हैं, आज हमारे सामने खड़ी है जावा की बॉबर, जो कि काफ़ी ही अच्छी गाड़ी लगती है दिखने में। और थोड़ा थोड़ा अगर आप इसको लुक को, अटायर को देखें, तो ये थोड़ा सा हार्ले डेविडसन वाला फील देती है। चलिए इस गाड़ी की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गाड़ी में इंजन आता है 343 cc का इंजन, और अगर पावर फिगर्स की बात करें तो 30 PS की पावर आती है और 30 Nm का ही टॉर्क आता है। जावा और येजदी चाहे दोनों एक ही ब्रांड है ऑलमोस्ट। अगर आप दोनों ही गाड़ियों में देखो, जनरली आपको पावर फिगर्स में यही मिलता है, जितनी पावर होगी उतना ही टॉर्क प्रोवाइड करती है गाड़ियाँ। बाकी यार, इसका आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इसका टायर है 100 सेक्शन का ही आगे, बट कितना ह्यूज लग रहा है ना, क्योंकि ये 100x70 सेक्शन का है, तो ये काफ़ी सही है। काफ़ी इसकी विद काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्मल टायर इतने के ज़्यादा नहीं आते, ऐसे आते हैं 140 सेक्शन की। बाकी अगर हम बात करें इसके बैक टायर की, तो बैक टायर इसका जनरली आ जाता है 140 सेक्शन का। टेल लाइट इसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जैसा आप देख सकते हैं, बिल्कुल अलग से ही, मतलब यूनिक सी आती है। और इंडिकेटर्स एकदम रेगुलर जावा जैसे हैं, उसमें हमेशा में एक गोल आते हैं, और ये काफ़ी अच्छे भी लगते हैं जब आप इनका ब्लिंकर चलाते हो ना। और आज की जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही होंगी, उसमें आपने देखा होगा ब्लिंकर्स इनबिल्ट आते हैं, तो यहाँ से आपके ब्लिंकर्स ऑन हो जाते हैं। देखिए, जैसे मैंने बटन दबा दिया और ये ऑन हो गए अपने आप। कितने ही प्यारे लग रहे हैं भाई, हल्का सा एक आयरन 883 जैसा व्यू देती है ना हार्ले की। हाँ, तो चलिए, बाकी इस गाड़ी में भाई ने क्या क्या काम करा रखा है। गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं चली हुई है, सिर्फ 350 किलोमीटर चली हुई है, तो पार्डन भी, मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम हो रहा है। तो गाड़ी की बात कर लेते हैं काम की। तो गाड़ी में भाई ने लगवा रखे जावा के ओरिजिनल बार एंड मिरर्स, जो कि मतलब ओरिजिनल लगाने का क्या फ़ायदा होता है ना, आपको उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। बाकी आप लोकल लगाओगे तो उसमें वो ये जल्दी बहुत ख़राब हो जाते हैं, और मतलब फिनिशिंग भी उनकी इतनी अच्छी होती नहीं है। और बैक व्यू इनमें एटलीस्ट आप देख सकते हो कि बैक व्यू दिखता है, उनमें नहीं दिखता यार, उनमें वो नॉर्मल शीशा जैसे जिसमें हमसे चेहरा देख सकते हैं वैसा वाला शीशा पड़ा होता है। बाकी भाई ने इसमें सबसे पहले लगवाया था लेग गार्ड, और इसे काफ़ी लेग गार्ड अच्छे से लग रहे हैं मुझे, क्योंकि डिज़ाइन इनका काफ़ी अच्छा है। वैसे नॉर्मल लेग गार्ड जैसे आते हैं ना वो कर्व से, वो यार इतने पसंद आते नहीं है भाई ने। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, इसमें एक हॉर्न भी लगवा रखा है, और ये मेरे साथ बहुत लाउड होगा, एक बार इसको बजा कर देखते हैं। अरे भाई 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 भाई, ये तो कसम से कुछ ज़्यादा ही लाउड है। बाकी इसमें भाई ने लगा रखी है हेडलाइट ग्रिल, ये भी ओरिजिनल है ना भाई, भाई ने सारा काम ओरिजिनल करा रखा है यार, कितनी सही चीज़ होती है ना। और सबसे मेन चीज़ जो मुझे वर्थ इट लगती है भाई, इसके अलॉयज चेंज कराना। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जितनी भी जावा की गाड़ियाँ, एसडी गाड़ियाँ ले लो, या हिमालयन या रॉयल इनफील्ड की कोई सी ले लो, उनमें पता क्या होता है, पोक्स वाले ट्यूबलेस टायर नहीं होते, ट्यूब वाले टायर होते हैं जस्ट उनके अलॉयज़ की वजह से, क्योंकि उसमें पोक्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, आपको ट्यूबलेस टायर वो नहीं दे सकते, और फिर आपको इसमें इतनी दिक्कत हो जाती है अगर आपका धोखे में भी पंचर कहीं पर खुदा ना खास्ता हो गया। मेरे साथ तो एक्सपीरियंस बहुत गंदा हुआ है, मेरा पहाड़ पे हुआ है, आपको नेक्स्ट वीडियोस में आने वाली पता चलेगा। मेरे को 13 किलोमीटर लिटरली जीएसडी स्क्रैम्बलर को घसीट के ले आना पड़ा है, क्योंकि मुझे इसका ट्यूबलेस होने के चक्कर में मुझे कहीं पे भी खुल नहीं पा रहा था, टायर खुले बिना मतलब ये चेंज क्या सही भी नहीं हो सकता। तो ये करवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आपका ट्यूबलेस टायर हो जाता है इसके बाद, और आप आराम से, अगर आप पंचर वंचर होता है तो आप एटलीस्ट एडजस्ट तो कर ही सकते हो यार इससे, भले ये कॉस्टिंग आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव काफ़ी लगेगी, क्योंकि भाई ये बता रहे थे उन्होंने अप्रॉक्स 10,000 के सिर्फ ये अलॉयज़ खरीदे हैं दोनों, विच इज़ प्रिटी हैवी। और पीछे वाले, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं गया था ना उस येजदी स्क्रैम्बलर को, आप वीडियो में देखिएगा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है यार। और बाकी भाई ने इसमें एक्सटेंडेड सीट लगवा रखी, क्योंकि आपको पता होगा ये बॉबर में आपको सिंगल सीट ही मिलती है। और इसका कलर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा नया टाइप का है, मैंने ऐसे कभी सीट देखी नहीं है भाई। कंफर्ट देखो यार आप, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, पीछे की सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ऑल तो थोड़ी छोटी है, बट कोई नहीं यार, एक्सटेंडेड सीट के हिसाब से काफ़ी सही है, लुक को भी मैच करती है गाड़ी के। तो बाकी यार, टैंक कैपेसिटी की बात करें तो टैंक आता है इसमें 13 लीटर का, और एवरेज की बात करें तो एवरेज इसमें यार भाई 25-30 का निकाल देती है, इन सिटी भाई का एक्सपीरियंस है ये। तो इतना माइलेज वैसे काफ़ी है, वो आपकी बाकी राइडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जितनी ज़्यादा राइड करेंगे हार्श एंड फास्ट, उतना ही कम आपको माइलेज मिलेगा। बट लिटरली यार, अगर आप गाड़ी को इन्जॉय नहीं करेंगे तो माइलेज निकालने के लिए आप गाड़ी थोड़ी ख़रीदते हैं। तो बाकी इसके डिजिटल कंसोल मीटर के ऊपर एक बार आ जाते हैं, कैसा आता है। तो ऐसा कुछ इसका बेसिक सा मीटर आता है, ये वैसे मैंने बेसिक नहीं है, पर हाँ सारी जावा में ऐसा ही एक मीटर आता है, कोई चेंज नहीं होता किसी के मीटर में।
बाकी स्विच केबल्स की बात करें तो यहाँ पे सारे मोड्स वगैरह आपको जो भी करना है वो कर सकते हो आप, सारी सेटिंग्स यहाँ से आपको मिल जाती है। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ से, हॉर्न मैं से दबा के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि दोबारा बहुत ज़्यादा लाउड है ये। यहाँ पे आपको जनरल आपको डिपर मिल जाता है, यहाँ पे आपका इंजन कट ऑफ प्लस आपको डिपर एंड सेल। बाकी ये मेरे हिसाब से चार्जिंग का है, फास्ट चार्जिंग है, ये बाइक कंपनी आता है ना? हाँ, ये कंपनी के साथ ही आता है आपको, कंपनी फिटेड, तो इसमें आपको कुछ अलग से नहीं करना होता। ये चीज़ मुझे जावा में बहुत अच्छी लगी है। बाकी यार मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, एक मिनट इधर आके बताइएगा, आपको ये आराम से खुल जाता है एक बार में? हाँ हाँ खुल जाता है। जब फर्स्ट टाइम किया होगा तब नहीं खुला होगा ना? तब नहीं, हाँ थोड़ा इशू आता है। हाँ, क्योंकि ये काफ़ी ना यहाँ से तो खुल जाता है, बट इसको ऐसे फिट करने में ना ऐसे घूमता है बार बार। क्योंकि अभी मैं इसको जब लेके गया था तो ना मुझे बड़ी दिक्कत हुई, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझसे तो नहीं होगा यार एक बार में। बाकी जिसका गाड़ी हो जाती है भाई उसको तो आदत हो ही जाती है। तो चलिए एक बार हम इसको राइड करके देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस हमें इससे फील होता है। तो आपसे सीधा आप सेटअप पे मिलते हैं। यार मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया भाई, नंबर प्लेट भी एकदम मतलब VIP नंबर लिया है इस। ये बेसिकली ये वाला नंबर लेने का इनको क्या फ़ायदा था, इनकी कार में भी एग्जैक्ट यही सेम नंबर है। तो मतलब भाई शौक होता है लोगों को कि बिल्कुल सेम नंबर चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उसके पास भी 220 है, उसने अभी 250 में अपग्रेड किया है, वो भी अपनी 220 वाला नंबर ही ले रहा है। तो भाई काफ़ी सही चीज़ है, इन्हें पढ़ भी है, सीरीज जब स्टार्ट हुई उन्होंने गाड़ी तभी ली होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्हें 4,000 का पड़ गया, सस्ता पड़ गया। क्योंकि जब मैंने DF सीरीज़ में अपनी MT का लेने का सोचा था, वो मुझे 7,500 का नंबर बता रहे थे, तो मैं नहीं ले पाया था यार, क्योंकि मुझे इतना सच्ची में हिम्मत नहीं हुई मेरी एकदम से कि मैं ले लूँ यार। तो भाई अभी हम आ चुके हैं जावा पॉपर 42 के ऊपर। हाँ हाँ, तो आपको मैं सबसे पहले एक बार इसका साउंड सुनाता हूँ। एग्जॉस्ट होने से कितना ही प्यारा लगता है भाई। भाई 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 भाई, क्या ही मतलब इंसेन एक्सीलरेशन है यार इसका, ओपी एक्सीलरेशन है सर, काफ़ी ओपी है। मतलब यार जावा क्या ही काम कर रही है ना, सब अपने इंजन के साथ मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ यार, इतना इंसेन एक्सीलरेशन यार, और कोई गाड़ी मेरे साथ में नहीं होती है ये कसम से। अगर आपको मैं ऐसा एग्जांपल देना चाहूँगा तो KTM जैसे एक्सप्रेशन दे रही है यार। अब वो बात अलग है, इनमें उतना ही टॉर्क भी आता है, बट स्टिल काफ़ी है। KTM की टक्कर का एक्सप्रेशन आपको कहीं और किसी और कंपनी में मिल तो रहा है प्लीज, वरना आपको परफॉर्मेंस तो KTM की टक्कर भी बजाज भी दे देता है, बट एक्सप्रेशन भी दे पाता है यार। ये थोड़ा सा भूल भी जा रहा है, इसे जरा क्रॉस करता है फटाफट का। देखे तो यार ऑलमोस्ट हार्ली डेविडसन की आयरन सीरीज की जैसी आती थी ना, थोड़ी थोड़ी वैसी लगती है। और सिटिंग पोस्टर की बात करें ना, बिल्कुल कंफर्टेबल बैठा उसमें रहा है, उसकी सीटें बहुत ज़्यादा लोअर्ड में ना ही बहुत ज़्यादा अपर में, बिल्कुल परफेक्ट सीट में बैठा हुआ हूँ एक गाड़ी के। तो चलिए इसे थोड़ा सा और आगे देखते हैं यार, सेफ्टी की बात करते हैं तो कुछ भी बेटर, थोड़े से और बेटर हो सकते थे, बट ऐसा भी भाई ने बताया कि इनके ब्रेक्स में कुछ इशू हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आगे लग रहा है, तो ये भी हो सकता है दोबारा। ठीक है यार, ठीक है, इतने बुरे भी लगे काफ़ी काम से मिले। चलिए एक बार से भागे देखते हैं, स्टैंड लगा के स्टैंड मुझे आदत है ना जनरली। अरे भाई स्टैंड लग गया यार, लीन करने में कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है यार, करना पड़ेगा गाड़ी, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है स्टैंड, वैसे सारी गाड़ी में अच्छा है यार, जनरली आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा।
थोड़ा सा देखिए चलिए तो साइड ये मैं तो 92 पे आया, अभी इसका इंजन खोला नहीं है इसलिए मेरे साथ इसका 97 का आना चाहिए, लाइक एक सिंपल मतलब 97 का आता है भाई। आगे तो उठ जाएगी पर यार नहीं, इसमें पावर है इंजन का आगे भी सब ट्राई नहीं करेगा। इस गाड़ी को इतना ही चलाएंगे तो ऐसा आएगा कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि अभी पूरी रोड पे कंस्ट्रक्शन वर्क काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन लेन में हमें ज़्यादा गाड़ी चलानी चाहिए। तो बस इस वीडियो को लेते हैं रखते हैं। अगर आप एक बार गाड़ी का मैं आपको दोबारा एक बार ओवरऑल वॉक अराउंड दे देता हूँ, कुछ ऐसी दिख रही है गाड़ी। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।